पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू की पत्नी गीता साहू ने कराया नामांकन। नामांकन कराने पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व उनके पति मोहन साहू। आपको पार्टी से टिकट मिला है और आपके हस्बैंड चेयरमैन रहे हैं, आज नामांकन किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं फोन कर दूंगा विश्वास दिलाती हूँ कि रात में उनकी सेवा करके उनके विश्वास को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे और जिस तरह पहले पूर्व चेयरमैन काम करते हैं उसी तरह हम भी आगे कोशिश करेंगे। आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? किसी पार्टी से नहीं, कोई पार्टी से नहीं, सब अपने हैं यहाँ। कोई मुद्दे क्या क्या रहेंगे और मुद्दे देखिए जो भी है उनको जनता की सेवा में मुद्दा है। ठीक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विश्वास के साथ गीता मोहन साहू को टिकट दिया है। बांदा की जनता निहार रही है अखिलेश यादव की ओर कि आपने जो कैंडिडेट भेजा है उसको कम से कम 15,000 के अंतराल से जीत के भेजेंगे। मैं बांदा की जनता को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, उनकी चरणों की धूल अपने मस्तक में लगा के उनकी सेवा जिस प्रकार करता था उससे ज़्यादा ताकत के साथ दोनों हम पति पत्नी मिलकर के बांदा की जनता की सेवा के लिए पूरी रूप से समर्पण होंगे, समर्पण के साथ काम करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा था कि सीट बदली फिर आपको मिला, क्या हुआ? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मुझे ये मालूम मेरा टिकट हुआ था फिर हो गया और मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। नए मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव के? नए मुद्दे जो थे, बांदा की जनता को प्यार सम्मान देना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके एक फ़ोन में काम करना और उनका कभी फ़ोन नहीं उठा पाए तो बैक करना। मोहन साहू हमेशा रात को 12 बजे तक सुबह 6 बजे से जनता के लिए समर्पित था, समर्पित है और जब तक जान है समर्पित रहेगा। विकास के नाम पे क्या करेंगे बांदा में? आपने देखा विकास के नाम पे क्या क्या किया है और आगे जैसा किया वैसे ही करेंगे। जो किया है उसी को और आगे बढ़ाएंगे, नया नया काम करने का प्रयास करेंगे, बांदा को जाम से मुक्ति दिलाने का। जाम से मुक्ति और तमाम विकास हैं, तमाम चीज़ें हैं वो अभी आगे आती जाएंगी।